तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर एक बार फिर से आया हूं। तो इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। आज हमारे पास है CP प्लस का वायरलेस कैमरा। इसका मॉडल नंबर है दोस्तों CP E24A, ये इसका मॉडल नंबर है। ये वायरलेस कैमरा है, साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों 2 मेगापिक्सल का कैमरा। इसमें 2 मेगापिक्सल कैमरा होता है जो कि रिकॉर्डिंग करता है फुल HD, और इसकी जो पिक्सल्स होंगे, जो क्वालिटी होगी 1080 पिक्सल में ये रिकॉर्डिंग करेगा। साथ ही साथ अगर आप इसको दोस्तों इस कैमरे को आप ऐसे करेंगे नीचे की ओर, तो इसमें देखिए, इसमें ऐसे आप नीचे की ओर करेंगे तो इसमें मेमोरी कार्ड भी लग सकती है। आप 128 GB की मेमोरी कार्ड तक का ये सपोर्ट करता है। आप 128 GB की मेमोरी कार्ड तक का लगा करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं स्टोर। साथ ही साथ दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में कुछ और हम बात करते हैं आगे भी। ये 360 डिग्री पर ये CP प्लस का कैमरा वायरलेस सिक्योरिटी कैमरा रोटेट भी करता है। साथ ही साथ पीछे स्पीकर दे रखा है। इस कैमरे के सामने अगर जो भी आएगा आप उससे एज अ वॉकी टॉकी आप इससे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। ये वायरलेस है और साथ ही साथ ये एंड्रॉयड और एप्पल iOS पे भी वर्क करता है। कौन सा एप्लीकेशन पे वर्क करता है ये हम आपको आगे बताएंगे, किस एप्लीकेशन पे वर्क करता है। हमारे वीडियो बने रहे, ठीक है। और आपको बताया दोस्तों इसके खासियत के बारे में, एक इसको पावर के लिए सी टाइप का दे रखा है, इस पे चार्जर सी टाइप का चार्जर सपोर्ट करता है। रीसेट का बटन दे रखा, आप इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप सी प्लस का कैमरा लेकर के आते हैं जिसका मॉडल नंबर है CP E24A होम सिक्योरिटी वायरलेस कैमरा। इसमें किसी भी इथरनेट ज्यादा केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा जहाम की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल इसको आपको पावर देना रहेगा। साथ ही साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी रहेगी, या तो वाईफाई की या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के आपको ये ऑनलाइन नहीं आएगा, आप कहीं भी बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे अगर आपको चाहते हैं आप कैमरे से देखना, तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंटरनेट यानी वाईफाई की जरूरत पड़ेगी इस कैमरे के साथ। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं, इस तरह के वॉल माउंट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आप वॉल माउंट भी लगा सकते हैं, या आप ऑफिस में, घर में या अपने शॉप में आप आराम से इसको ऐसे रख के आप इस वायरलेस कैमरे का मजा ले सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, बाहर से किसी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से रिलेटेड वीडियो आपको ऐसे देते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मुझे इससे मिले मोटिवेशन, यानी कि मुझे मिले ताकत, मुझे लगे कि हाँ मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। आइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसके सेटअप के लिए ले चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका सेटअप किया जाता है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया अपने कैमरे पे और ये मेरा CP प्लस का कैमरा है। इसको मैं पावर दे दूंगा, सी टाइप कनेक्टर डाल के मैंने पावर दे दिया है, सी टाइप का चार्जर लगा दिया है। जैसे चार्जर लगाऊंगा ये कैमरा रोटेट होगा कुछ इस तरीके से 360 डिग्री पर। ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होगी और ये हमसे कह रहा है कि अपने इस कैमरे को वाईफाई का कनेक्शन देना है, यानी वाईफाई की कनेक्शन अभी इसको नहीं मिली, इसीलिए मैसेज आ रहा है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने मोबाइल पे। मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ, वाईफाई को कनेक्ट कर लिया मोबाइल से और प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में जाऊँगा, यहाँ पे डालूंगा EZYKAM। दोस्तों EZYKAM से ये जो आपका कैमरा है ये कंट्रोल किया जा सकता है, और इसी एप्लीकेशन से आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी ये आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी EZYKAM के नाम से ये एप्लीकेशन आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों ये मैं डाउनलोड कर लिया हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, तो इसको कर लेना है ओपन। तो ओपन करने के बाद कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा EZYKAM। यहाँ पर कर लेना है एग्री, डिसएग्री नहीं करना है, केवल एग्री करना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ एग्री और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर लिखा है साइन अप,
नया अगर आपको यहाँ पर एक नई आईडी जनरेट करनी पड़ेगी तो साइनअप पर क्लिक करिएगा, अगर आईडी है तो साइन इन करिएगा। तो मुझे एक आईडी बनानी है क्योंकि मेरी आईडी नहीं है सीपी प्लस पे, तो मैं साइनअप पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो हमारे पास है वो अपनी ईमेल आईडी हमको डाल देनी है। साथ ही साथ ईमेल आईडी एकदम सही से डालनी होगी, अदरवाइज हम अपनी आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आईडी डालने के बाद नीचे गेट वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। उस ईमेल आईडी से अपना 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड ले करके आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं दोस्तों खोलता हूँ अपना जीमेल और यहाँ से वेरिफिकेशन कोड को निकालता हूँ। निकालने के बाद इस उस ऐप में जा करके डाल दूंगा। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ दोस्तों, तो रिफ्रेश करता हूँ अपना जीमेल की आईडी। तो दोस्तों सीपी प्लस का आप कैमरा जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट टाइम, तो एक बार ये आपको आईडी बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होगा तो कैमरा कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो 570117 ये कोड है, इस कोड को यहाँ पे डालना है इंटर वेरिफिकेशन कोड पे। इंटर वेरिफिकेशन कोड पे मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पूरी वीडियो देखिए स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आएगा। डालने के बाद यहाँ पर नया पासवर्ड बना लेते हैं, कोई भी नया पासवर्ड जिससे हम ऐप को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों मैं नया पासवर्ड बना लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। उसके बाद मैं कर दूंगा डन, नया पासवर्ड बनाने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे डन। डन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पर गो टू ऐप पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर डिवाइस लिस्ट आएगी। डिवाइस लिस्ट में दोस्तों क्या होता है कि प्लस का एक बटन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिवाइस आपको ऐड करना है इस एप्लीकेशन में, जैसे मान लीजिए मुझे ये कैमरा ऐड करना है तो मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये सारे वेब कैम सामने आ जाएंगे। तो जो भी हमारा कैमरा होगा उस कैमरे पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरा कैमरा है CP E24A, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही मेरा मॉडल नंबर है कैमरे का CP24A पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा कैमरा आ गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दोस्तों पावर ऑन द कैमरा, कैमरे का पावर ऑन करना है। काइंडली मेक श्योर द ब्लू इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग एंड वॉइस प्रॉम्प्ट इज ऑडियोबल, मतलब एक ब्लू कलर की लाइट जलेगी, तो जल रही है, आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं अपना कैमरा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, मेरे अपने कैमरे को मैंने पावर ऑलरेडी दे रखा है और उसके ऊपर ब्लू कलर की एक लाइट जल रही है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखिए नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, नेक्स्ट वाले पे ऑप्शन में क्लिक किया, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट 2.4 GHz वाईफाई नेटवर्क एंड इंटर पासवर्ड, यहाँ पर आपके वाईफाई का 2.4 GHz वाला नेटवर्क सर्च करेगा। तो दोस्तों ये नीचे ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर अपने इस एप्लीकेशन को सारे एक्सेस दे देते हैं। सारे एक्सेस देंगे तभी हमारा ये ऐप जो है हमारे मोबाइल से अटैच होगा, और जब अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर वन बाय वन करके सारे एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के एक्सेस हैं जैसे कैमरा, फाइल्स एंड मीडिया, लोकेशन, माइक्रोफोन, सबको वन बाय वन करके एक्सेस दे देंगे, ठीक है। तो कैमरे को पहले एक्सेस देते हैं, अलाउ एक्सेस टू द मीडिया ओनली, डोंट अलाउ पर हटा देंगे। कैमरे पे जाएंगे, कैमरे को देंगे अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इस पे एक्सेस देंगे। उसके बाद लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे जाने के बाद अलाउ ओनली वाइल द यूजिंग ऐप, इसको एक्सेस पूरा एक्सेस देंगे। माइक्रोफोन पे जाएंगे, अलाउ ओनली वाइल द यूजिंग ऐप। तो एक्सेस देने के बाद अगला काम आता है, अपने वाईफाई का पासवर्ड हमें डालना है, जिस भी इंटरनेट से हम अब इस कैमरे को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लोकेशन को एक्सेस देने के बाद हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अपने वाईफाई का हम पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारे जिस भी वाईफाई से हमारा कैमरा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मैं डालने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये स्कैनर आ जाएगा। आप स्कैनर को अपने मोबाइल स्कैनर को इस कैमरे के सामने स्कैन करना है, थोड़ा वेट करना है। Wi-Fi connection success. Device added successfully.
तो दोस्तों मेरा कैमरा ऐड हो चुका है पूरी तरीके से वाईफाई से। अब ये देखिए यहाँ पर बैक कर लेते हैं, CPE24A मेरा कैमरा जो था वो ऑनलाइन आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑनलाइन भी दिखा रहा है। थोड़ा सा और बैक करके दोस्तों टेस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कैमरे की टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, ऑटो स्टार्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वाईफाई से अब मेरे कैमरे की कनेक्टिविटी डन हो चुकी है, प्रॉपर मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, सारे एक्सेस दे दिया है। अब इसको हम कहीं से भी अपने कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा कैमरा देखिए ऑनलाइन आ गया, CPE24A। दोस्तों कुछ यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आप अपने कैमरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, और जो माइक्रोफोन का आपका जो आइकन दिख रहा है आप यहाँ से बोल सकते हैं। साथ ही साथ बगल में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस सारे ऑप्शन के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो देखिए ये देखिए मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है, सुबह का वक्त था, मैंने कुछ पहने नहीं थे क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, ये गरीब का घर है। तो ये आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं गरीब का घर, जिसके पास ना पैसा है ना रुपया है, गधा एक नंबर का है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये सारे जो नीचे ऑप्शन है इनकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए मेरा कैमरा ऑनलाइन आ गया है, अभी देखिए प्रॉपर कैमरा को मैं गोल गोल 360 पर घुमा रहा हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।